प्रिय मित्रगण, मेरे YouTube चैनल के नवीनतम तथा अंत होते दो अंकों के नंबर वाली संख्या 99वां वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको प्रभु श्री राम के आदेश से लंका पर चढ़ाई करने हेतु तथा माता सीता की मुक्ति के लिए बानर सेना द्वारा बनाई गई उस पुल के पास ले चलूँगा जिसे आज राम सेतु कहते हैं तथा जिसके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका 2 या 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे आप मेरे प्रयास को एक ऊंची उड़ान दे सकते हैं तथा भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए किया जा रहा मेरा यह तुच्छ प्रयास अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। मैं आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकता हूं। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें तथा कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। विभिन्न मानचित्रों तथा अंतरिक्ष द्वारा लिए गए चित्रों में आप उस तैरते हुए पुल के अवशेष अभी भी देख सकते हैं। भारत तथा श्रीलंका के बीच हिंद महासागर के भाग को पाक जलडमरू मध्य अथवा पाक स्ट्रेट कहा जाता है। इस जलडमरू मध्य का नाम पाक स्ट्रेट 1755 से 1763 के दौरान कंपनी राज में मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर पड़ा। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों और टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के अवशेष के रूप में दिखाई देता है। यह रामेश्वरम द्वीप का अंतिम भाग है। यहाँ से आपको पुनः लौटकर जाना है। यह एक गोल स्थान के रूप में है। रामेश्वरम से इस गोल स्थान तक का रास्ता आप देख रहे हैं। रामेश्वरम से यहाँ तक इतनी ही चौड़ी सड़क है जिसके दोनों तरफ हिंद महासागर का नीला पानी अपने लहरों के साथ झूम रहा है। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह मेरा अपना अनुमान है कि यह भाग भी राम सेतु का हिस्सा रहा होगा। धनुषकोडी शहर का एक दुखद इतिहास है। अंतिम गोलाकार स्थान से 4 किलोमीटर पहले पुराना उजड़ा धनुषकोडी नगर है। 1964 से पहले धनुषकोडी एक छोटा नगर हुआ करता था। 19 दिसंबर 1964 में आए भयंकर चक्रवात ने इस नगर को विलुप्त कर दिया। 20 फीट ऊंची लहर के सामने सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। उसके पहले धनुषकोडी नगर में एक रेलवे स्टेशन, एक रेलवे अस्पताल, एक पोस्ट ऑफिस तथा कुछ सरकारी विभाग थे। इस चक्रवात में एक रेलगाड़ी पंबन धनुषकोडी रेलगाड़ी 110 यात्रियों तथा 5 कर्मचारियों के साथ बह गई। कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए। पुराने धनुषकोडी शहर के अवशेष अभी भी बचे हुए हैं। यह पुराने रेलवे स्टेशन का भग्नावशेष है। अब हम लोग गोल स्थान से पत्थरों को पार कर हिंद महासागर के गोद में आ गए। उस बालू रेत को महसूस करने जिन पर कभी श्री राम और राम भक्त हनुमान के चरण पड़े होंगे, उस प्राचीन क्षण और इस क्षण मैं उस धरती पर खड़ा हूँ, यह सोचकर पूरे शरीर में रोमांच भर आया है। रोमांचित हो गया मैं। यह एक प्रशासन द्वारा लगाया गया पट्टिका है जिस पर यह लिखा हुआ है कि यह समुद्र तट ऊंची लहरों के कारण अत्यंत खतरनाक है। वापस लौटते समय हमें वह स्थान मिला जहां पर भगवान श्री राम ने लंका विजय के पश्चात रावण के भाई विभीषण को लंका का पट्टाभिषेक किया। यह मंदिर कोथंडा रामार मंदिर है। यह मंदिर भी श्री राम को समर्पित है।
इस वीडियो फुटेज में आप दूर क्षितिज के पास एक द्वीप का किनारा देख सकते हैं, शायद राम सेतु का अवशेष हो। मित्रों, आप हिंद महासागर के नीले जल में उठते सफेद लहरों का आनंद लीजिए, श्री राम के चरणों से तृप्त उन रेत कणों का दर्शन कीजिए। मैं इस पवित्र स्थान की यात्रा यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगला वीडियो मेरे YouTube चैनल का 100वां वीडियो है। मेरा यह 100वां वीडियो मदुरई नगर की मीनाक्षी देवी को समर्पित होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।